अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और हैरियत से होंगे। इस वक्त सुबह के तकरीबन 10:30 का टाइम है और हमने सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह नॉर्मल टाइम से करके मैंने अभी बस किचन वगैरह समेटा और मैं और मेरे हस्बैंड हम जा रहे हैं बाहर, और हम जा रहे हैं सेंसबरीज़। एक्चुअली वहाँ से सिर्फ मुझे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेने थे और ब्रेड वगैरह, क्योंकि ये चीज़ें वीकली ही ली जाती हैं। इसके अलावा सारे की सारी शॉपिंग, जैसा कि मैंने आपसे शेयर की थी, मैं ऑलरेडी मॉरिसन से, लिडल से, एस्ट्रा से, बहुत सारी जगहों से शॉपिंग कर चुकी हूँ और इतनी खास घर पर ज़रूरत और चीज़ों की नहीं है, लेकिन ब्रेड, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ये ऐसी चीज़ें हैं कि ये हम बल्क में नहीं बाय कर सकते, ये साथ ही साथ बाय करना पड़ती हैं। इस वक्त हम आ चुके हैं सेंसबरीज़ और यहाँ से जो जो कुछ हमें चाहिए हम ले लेंगे। और जिस वक्त हम आए थे उस वक्त तो इतना रश नहीं था, लेकिन जब हमने शॉपिंग फिनिश की और डोर से बाहर जाने लगे तो हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ भी रश हो चुका था। इन दिनों सभी सुपरमार्केट्स के बाहर बहुत लॉन्ग क्यू लगे हैं, क्योंकि क्रिसमस और न्यू ईयर की शॉपिंग के लिए लोग बाहर आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा रश होता है। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह सुबह जो काम निपटा लिया जाए वही बेहतर है। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं बिफ़ोर लंच ये सारे काम फिनिश करके घर वापस चली जाऊं। और यहाँ यूके में हॉलीडेज स्टार्ट हो चुकी हैं 17 दिसंबर के बाद से, लेकिन पहले ये 2 वीक्स की हॉलीडेज होती थी, इस बार ये 3 वीक्स की होंगी। वैसे तो नॉर्मली स्कूल 4 जनवरी को लग जाने थे, लेकिन 1 वीक के लिए एक्सटेंड किए गए हैं और 11 जनवरी को भी स्कूल, कॉलेजेस वगैरह ओपन होंगे। लेकिन सिर्फ वो स्टूडेंट्स जो कि ए लेवल्स और GCSEs कर रहे हैं वो सब के सब 4th को ही स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी भी कुछ पता नहीं कि गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट कब आ जाएगी, दोबारा से लॉकडाउन हो जाएगा या क्या होता है, ये तो बस अभी कुछ पता नहीं। रिमोट एक्सेस के ज़रिए स्टडीज़ काफ़ी अरसे से स्टार्ट हो चुकी हैं, लेकिन बस गवर्नमेंट के डिसीजन को ही देखा जाता है। जैसे गवर्नमेंट कुछ कहते हैं तो उसको फॉलो किया जाता है, लेकिन बस हम सब दुआ ही करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए और हमें माफ़ फरमा दें और बस अभी इस वायरस से जल्दी हम सब की जान छूटे। और अभी आपका ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए मैं व्लॉग को आगे बढ़ाती हूँ। यहाँ सेंसबरीज से जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो मैंने ले ली थी, और इसके फ़ौरन बाद फिर हम गए थे पाउंड स्ट्रेचर, क्योंकि पाउंड स्ट्रेचर बिल्कुल इसके साथ ही है, बस 2 कदम का फासला है। तो वहाँ से कुछ चीज़ें मुझे चाहिए थी तो वो मैंने ले ली, और उनमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ ने मुझे अट्रैक्ट किया और मुझे बेस्ट लगी वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। और पाउंड स्ट्रेचर में जिस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया वो है ये लॉन्ग हॉट वाटर बॉटल्स। ये बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं और बड़े भी। ये हॉट वाटर बॉटल्स हैं, इनमें पानी भरकर हम बेड में रख सकते हैं, अपने साथ रख सकते हैं। और मुझे चाहिए थी मेरी छोटी बेटी के लिए, क्योंकि वो रात को अपना जो ब्लैंकेट वगैरह होता है या उनकी जो रज़ाई वगैरह है वो नीचे गिरा देती हैं, और उनकी बेड भी वॉल के साथ ही है तो उनको काफ़ी सर्दी लगती है। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे दिखाई दिया था और मैं काफ़ी अरसे से इसे फाइंड कर रही थी, मुझे कहीं ये दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन अभी ये मिल गई है मुझे। तो ये मुझे जो मैंने ली थी वो मुझे मिली थी 799 की, और जो पैकिंग में है सामने मैं आपको दिखाती हूँ, पिंक कलर में ही थी, उसमें और कोई कलर नहीं था, तो वो आई थिंक 10 पाउंड की लगी थी। तो ये काफ़ी गुड प्राइस में काफ़ी अच्छी बॉटल्स हैं। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो आप लोग पाउंड स्ट्रेचर जा सकते हैं, वहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा डेबनम्स में हैं, लेकिन मैं डेबनम्स नहीं जाना चाहती हूँ। सभी जानते हैं कि वो स्टोर्स क्लोज़ हो रहे हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है, तो बेहतर है जहाँ पर क्वाइट हो वहाँ से ही ले लिया जाए। तो मैंने यहीं से ही ले ली थी। और इसके अलावा जो छोटी बॉटल्स हैं जो नॉर्मल यूज़ होती हैं वो 499 की लगी थी। वो मेरे घर में बहुत ज़्यादा हैं इसलिए मैंने सिर्फ 2 उनकी जो रबर बॉटल्स होती हैं वो ली थी, क्योंकि ऑलरेडी उनके कवर्स हैं मेरे घर में। तो उसके अलावा घर की थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी वो भी ली हैं, और मैं अभी जा रही हूँ यहाँ से शॉपिंग फिनिश करने के बाद घर। और
अभी हम आ चुके हैं घर और आते साथ ही मैंने अपनी छोटी बेटी के लिए लंच को रेडी किया था, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी लंच कर चुकी है और जो छोटी बेटी है वो थोड़ा सा कह रही थी कि भूख नहीं है, अभी नहीं खाना, क्योंकि उन्होंने सुबह ब्रेकफास्ट थोड़ा सा हैवी किया था, तो इसलिए थोड़े से बहाने कर रही थी। लेकिन मैंने आते साथ ही फ्रेश होने के फ़ौरन बाद मैंने अपनी बेटी का ये लंच रेडी किया है। 3-4 ऑप्शंस रख लिए थे, जो उन्हें अच्छा लगेगा वो खा लेंगी। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने ऑरेंजेस के साथ और बनाना के साथ क्या किया है। अगर इस तरह से करके बच्चों को फ्रूट दे दिया जाए तो बच्चे खा लेते हैं। यहाँ पर मेरी बेटी ने ना तो जूस पिया था और ना ही योगर्ट लिया था, सिर्फ उन्होंने पिज़्ज़ा और फ्रूट खा लिया था। और कभी कभार गाइस इस तरह करना पड़ता है बच्चों के साथ। मैं जानती हूँ कि फेसेस बनाकर देना अच्छी बात नहीं है, लेकिन जब कभी कभार बच्चे ज़िद पर आ जाते हैं तो पेरेंट्स को इस तरह के कुछ ना कुछ हरबे करने पड़ते हैं जिसकी वजह से बच्चे खाना खा सकें। और मेरी बेटी बहुत शौक से ऑरेंज को खुद ओपन करके खा रही थी। नॉर्मली वो ऑरेंज ओपन नहीं करती हैं, वो कहती हैं कि आप ओपन करके दें या घर में से कोई ओपन करके दे, तो वो फोक से खाती हैं। लेकिन आज उन्होंने खुद ओपन किया था और खुद खाया था। और अभी रात हो चुकी है तो मैंने सोचा मैं पॉन्ड स्ट्रेचर का हॉल आपसे शेयर कर लूं। यहाँ पर ये 2 हॉट वाटर बॉटल्स ली हैं, उसके अलावा ये सिलिकॉन ली है मैंने शावर को लगाने के लिए, और ये जो बनी होती है ना जो सिंक वगैरह को ब्लॉक करने के लिए उसका टॉप होता है वो लिया है, और लॉन्ग हॉट वाटर बॉटल। इन चीज़ों के अलावा मैंने सेंसबरीज से जितनी भी शॉपिंग की है वो ज़्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क और ब्रेड वगैरह थे, और मैंने इसलिए नहीं दिखाए क्योंकि वो बस जल्दी से आके मैंने वॉश किया है और उनको उनकी जगहों पर रख दिया था। और जो मैंने वहाँ से गिफ्ट्स वगैरह लिए हैं वो मैंने पैक करने हैं और एक्चुअली वो मैंने किसी को सेंड करने हैं। तो ये व्लॉग जो है ये मे बी क्रिसमस से पहले आ जाएगा या हो सकता है कि न्यू ईयर से पहले आए, तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरे व्लॉग में वो पहले से गिफ्ट्स देख लें, तो इसलिए मैंने व्लॉग में नहीं दिखाए हैं। मैंने पैक किए हैं और अभी इंशाल्लाह मैं आज कल में ही जाके पोस्ट कर दूँगी, जितना जल्दी हो सके उनको मिल जाए। मैं चाहती हूँ कि न्यू ईयर से पहले पहले उनको ये चीज़ें मिल जाएँ ताकि वो ले सकें। और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं शेयर करना चाहती थी, जिनकी प्राइसेस वगैरह आपको बताना चाहती थी, जो कि बहुत गुड प्राइसेस हैं, लेकिन मैं नहीं कर पाई। सिर्फ यही मजबूरी थी कि मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरे व्लॉग्स में देखें, क्योंकि मेरे व्लॉग्स इस वक्त काफ़ी सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं जो देख रहे हैं, और काफ़ी सारे ऐसे हैं जो कि कमेंट्स वगैरह तो नहीं करते लेकिन देखते सब हैं, तो मैं नहीं चाहती थी कि वो पहले से देख लें, तो इसलिए मैंने वो गिफ्ट्स वगैरह आपको नहीं दिखाए हैं। और आज मैं आपसे यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। एक्चुअली ये अनाउंसमेंट मुझे पिछली वीडियो में करनी थी, लेकिन इस वीडियो में करूँगी क्योंकि पिछली वीडियो में मुझे एक्चुअली याद ही नहीं रहा था। जब मैं वॉइस ओवर कर चुकी थी फिर मुझे याद आया था। एक्चुअली कुछ बहन भाई ऐसे हैं जो कि day 1 से मेरे साथ जुड़े हैं और मेरी वीडियोज़ को देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं और फुल वॉच करते हैं। मैं एक छोटा सारा उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ, और वो ये है कि हर 4 व्लॉग्स के बाद जो मेरा 5th व्लॉग आया करेगा उसमें किसी एक सब्सक्राइबर, किसी एक बहन या भाई का नाम आएगा जिन्हें मैं शाउट आउट करूँगी, उनके चैनल के बारे में बताया जाएगा, उनके चैनल की एक छोटी सी वीडियो क्लिप दिखाई जाएगी मेरे चैनल पर, ताकि जो कोई और सब्सक्राइबर जुड़ना चाहते हैं तो वो उनके चैनल को देख सकें, उनके चैनल का नाम, उनके चैनल पर उनकी प्रोफाइल फ़ोटो क्या है वो उनको देख सकें, ताकि उनको ढूंढने में आसानी हो सके। और जैसे ही वो बहन भाई मेरे उस वीडियो पर आके कमेंट करेंगे मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगी, ताकि ढूंढने वाले को और आसानी हो सके और वो उनके चैनल तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। और आई होप कि आप लोगों को ये अच्छा लगेगा जो मैंने कहा है, और कोई भी मेरा बहन भाई माइंड नहीं करेगा क्योंकि सबकी बारी आहिस्ता आहिस्ता आएगी। और मैं कैसे नाम चूज़ करूँगी ये मैं अपनी उसी वीडियो में ही बताऊँगी और आप लोगों के सामने ही नाम चूज़ करूँगी। और रात हो चुकी है, बच्चे बेड में जा चुके हैं, तो ये मैं बॉटल भर के अभी अपनी बेटी को दे दूंगी। तो बस आज का व्लॉग भी मेरा यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि व्लॉग कैसा लगा। मैं इंशाल्लाह मिलती हूँ बहुत जल्द आपको एक नए व्लॉग के साथ। तब तक आप सब लोग अपना बहुत ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।